सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे थे सीजीपीएससी के जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था, जो आपका सी सेट का क्वेश्चन पेपर था, उसका सॉल्यूशन। ऑलरेडी हमने इस पे दो वीडियो अपलोड कर रखा है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 से है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसे देखने के बाद उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था सीजीपीएससी के 2021-22 के एग्जाम में, जो कि 13 फरवरी 2022 को एग्जाम हुआ था, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17 था, एक नाव को अनुप्रवाह में 136 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लगते हैं। अनुप्रवाह में 51 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय के बराबर है। धारा के प्रतिकूल नाव की गति धारा की गति से कितनी अधिक है? क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे बता दिया गया है अनुप्रवाह मतलब जो धारा की दिशा है, उस दिशा में नाव जो है 136 किलोमीटर तय करता है और उसके अपोजिट दिशा में 84 किलोमीटर तय करता है। इसमें टोटल 10 घंटे लगते हैं। साथ ही फिर यहाँ पर बताया है कि 51 किलोमीटर अनुप्रवाह और आपका शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी जो है, जो टाइम लगता है, वो बराबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, अनुप्रवाह में जो चाल है वो क्या होगा, वी प्लस एस। ठीक है, हम इसको फॉर्मूला के रूप में लेते हैं वी प्लस एस में। और ये प्लस क्यों है? क्योंकि धारा की जो चाल है और आपकी नाव की चाल है, दोनों यहाँ पे जुड़ रहे, तो किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा। प्रतिकूल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो धारा की चाल है, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, वो आपका स्पीड ऑफ बोट से माइनस हो जाता है, तो वी माइनस एस हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी फार्मूला में हम इस वैल्यू को रखते हैं, तो 84 वी माइनस एस प्लस 136 वी प्लस एस, हम इसे एक अपॉन के रूप में लिख कर प्लस करते हैं और इक्वल टू 10। तो देखिए, ये जो सेटअप है हमने कैसे लिखा, तो ये जो रहेगा आपका टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो स्पीड क्या है, नीचे है, और डिस्टेंस क्या है, ऊपर है। टाइम क्या है, इक्वल टू में है, तो 10 यहाँ पर इक्वल टू में है। दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आता है इसे सॉल्व करने के बाद, वो 10 एस स्क्वायर माइनस 52 एस इज इक्वल टू 10 वी का स्क्वायर माइनस 220 वी, ये जो है हमारे पास इक्वेशन आता है इसे सॉल्व करने के बाद। देखिए, आप सीजीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर इसको सॉल्व जरूर कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे, तो इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, 51 अपॉन वी प्लस एस जो है आपका, जो यहाँ पर दिया गया है अनुप्रवाह, इज इक्वल टू 36 वी। अब यहाँ पर वी बस क्यों आया, वी माइनस एस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए शांत जल लिखा हुआ है, तो शांत जल की जो स्पीड है वो वी है, तो शांत जल में बोट की स्पीड है वो वी है, और एस जो है वो आपका धारा की स्पीड है, तो धारा में अभी स्पीड ही नहीं है, तो वी जो है शांत जल के कारण आया। 36 किलोमीटर की दूरी है इसलिए ऊपर में 36 रहेगा, डिस्टेंस इक्वल टू में है। सॉल्व करते हैं हम इसको, तो वी इज इक्वल टू आ जाता है 2.4 इंटू एस। वी बराबर क्या आया, 2.4 गुणा एस। अब ये जो है हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। वी की वैल्यू को हम यहां पर रख देते हैं और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है एस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर और वी इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति धारा की गति से कितनी अधिक है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति जो है वो धारा से कितनी अधिक है, तो इसको माइनस कर देंगे हम v माइनस s। तो v बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे 24 है, तो धारा की प्रतिकूल नाव की गति जो है, देखिए प्रतिकूल नाव की गति v माइनस s, तो 24 माइनस 10 करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 जो है वो धारा के प्रतिकूल नाव की गति है, और धारा की गति कितनी है, तो 10 है, तो 14 माइनस 10 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, v माइनस एस करेंगे तो कितना आएगा, 24 माइनस 10, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा।
और फिर 14 माइनस हम फिर से 10 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है धारा की प्रतिकूल नाव की गति धारा की गति से कितनी अधिक है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निकटतम रुपए तक गणना करते हुए 15% प्रतिवर्ष की दर से 57,000 रुपए की जो राशि है उस पर 2/3/5 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2, 3 सही 5 वर्षों में। कैसे निकालते हैं उसे देखिए, मूलधन क्या है 57,000, इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम जो दिया है 2, 3/5 ईयर्स। सिंपल से हम लोग फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे, आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता ही होगा। 57,000 जो है आपका मूलधन, फिर 1+R/100 होता है तो 1+R की जगह 15%, 100 है तो 100, और यहाँ पर एन में जो आपका समय है हमने 2 वर्ष लिया है, क्योंकि तो पहले हम 2 वर्ष का निकालेंगे फिर 3/5 वर्षों का निकालेंगे। तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 75,382.5 यहाँ पर आ गया आंसर, 2 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 57,000 का। छोटे छोटे चीज है, कैलकुलेशन को आपको खुद समझना होगा या खुद करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है लंबे लंबे कैलकुलेशन करने के लिए, हमने डायरेक्ट यहाँ पर आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये तो 2 वर्ष का निकल गया, फिर देखिए यहाँ पर जो 3/5 वर्ष है उसको हम परसेंट में देखते हैं, तो 1 वर्ष में 15% लगना है तो 3/5 वर्ष में देखिए यहाँ पे 9% लगेगा, ये 9% लग गए यहाँ पर, तो इस 9% को भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आया है हमारा आंसर उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1+R/100 होता तो R की जगह 9, और यहाँ पर जो वर्षों की संख्या रहेगी 1 रहेगी 1 वर्ष में, तो ये जो टोटल हो जाता है आपका 82,166.9 रुपए। ये क्या आया टोटल अमाउंट, मूलधन जो आपका है और साथ में इंटरेस्ट जोड़ के टोटल अमाउंट आया 82,166। लेकिन हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 82,166 में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 57,000 को हम घटा देंगे जो हमारा मूलधन है, तो 82,166 - 57,000, तो मूलधन घटाएंगे तो हमारे पास लगभग 25,167 रुपये आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर जो है ये जो पहला वाला है वो हो जाएगा 25,167 रुपये। सिंपल है लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए बी और सी 3 एकल अंक वाली संख्याएं इस प्रकार है कि 0.ABC ABC ABC इज इक्वल टू 19/37, फिर A+B+C का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी अजीब से क्वेश्चन दिया है घुमाने के लिए, तो सिंपल से हम क्या मानेंगे, 19/37 को x मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.ABC ABC, ये हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1000 का, तो इधर भी 1000 का मल्टीप्लाई और इधर भी 1000 का मल्टीप्लाई, तो 1000x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी जो 1000 की मल्टीप्लाई होगा तो 3 अंक जो है वो जो है दशमलव की इस तरफ आ जाएगा, तो ABC दशमलव ABC हो गया ये, फिर डैश 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 आगे ABC भी रहेगा। और अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाकर हम यहाँ पर देखते हैं, तो इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को घटाते हैं तो क्या आ जाता है 999x इज इक्वल टू ABC। यहां से 1x कट गया और यहां से दशमलव के बाद का जितना भी संख्या है वो कट गया, तो 999x इज इक्वल टू ABC यहाँ पर आ गया, ABC बराबर इतना आ गया, और x बराबर हम क्या माने हैं 19/37 को x माने हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व करने पर ABC कितना आता है 513, सॉल्व करते हैं तो ABC कितना आ रहा है 513, तो ABC इज इक्वल टू कितना हो गया 513। तो इसमें देखिए ये जो है 5 है, B जो है 1 है और C जो है 3 है, A5 B1 C3। हमसे पूछा क्या है A+B+C की वैल्यू, तो A+B+C की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाता है 9, और हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर D 9।
देखिए थोड़ा सा स्पीड हो सकता है जो क्वेश्चन क्या है सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करिएगा समझने का। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि 5 की पावर a इज इक्वल टू 7 की पावर b इज इक्वल टू 35 की पावर c है तो c का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है फार्मूला, a की पावर m और a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n हो जाता है। a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n रहे तो m बराबर n हो जाता है। ये सिंपल से फार्मूला है, मैथ्स के बेसिक में आपने पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर a है, 7 की पावर b है और 35 की पावर c है, तीनों बराबर में हैं। ठीक है, बराबर में हैं। हम हर एक एंगल से देख लेते हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है कोई भी सा दो ले लेते हैं हम लोग, ये वाला ले लिए 5 की पावर a और 35 की पावर c, इसमें हम लोग a से डिवाइड कर देते हैं तो इसका ये तो कट जाएगा, 5 का a कट जाएगा a से डिवाइड करेंगे तो। 35 c है तो यहाँ पर देखिए c के अपॉन पे a आ गया, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली इसमें देखिए हम b से डिवाइड कर देंगे तो 7 का b कट गया और 35 की पावर में क्या आ जाएगा c/b, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो 35 35 है दोनों एक साइड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा c/a + c/b। कहाँ से आया, तो ये जो हमने अभी बताया आपको इसी के जरिए से, a की पावर m और a की पावर n है तो m+n हो जाता है, तो उसी प्रकार ये हो गया 35 का जो पावर था। बाकी जो देखिए यहाँ पे 5 और 7 जो था वो क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 35 की पावर 1 है और 35 की पावर ये है तो 35 तो हट जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ए की पावर m और ए की पावर n है तो m इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो 1 बराबर जो c/a + c/b है वो हो जाएगा। सॉल्व करते हैं हम इसे, जब सॉल्व करते हैं हम इसे तो हमारे पास क्या आ जाता है c a + b/ab, तो c जो है इस साइड आ जाएगा तो ये क्या है पलट जाएगा, ए बी ऊपर आ जाएगा और ए प्लस बी नीचे आ जाएगा, तो c = ab/a+b, ये हमारा आंसर है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, सी का मान ही पूछा था और सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एक पाई चार्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 और 22 जो है वो पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, तो अगर आप CGPSC का पेपर देंगे तो भूल कर भी ये पाई चार्ट वाले क्वेश्चन को आप शुरू में मत बनाना, क्योंकि आधा से ज्यादा समय ये आपका वहीं पे ले लेगा। अगर आप इसमें एक्सपर्ट है तभी आप इसे स्टार्टिंग में बनाना, नहीं तो इसे लास्ट में बनाना, क्योंकि बनता है तो आपके कई क्वेश्चन सही हो जाते हैं लेकिन नहीं बनता है तो टाइम भी जाता है और आंसर गलत भी हो जाते हैं। तो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट 3 अलग अलग वर्षों में देश के केंद्रीय बजट में 6 अलग अलग क्षेत्रों को आवंटित निधि का प्रतिशत दिखाते हैं। वर्ष 2017 में 6 अलग अलग क्षेत्रों को आवंटित राशि जो है 200 करोड़ रुपए है। अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग प्रतिशत बताया गया है, राशि है 200 करोड़, इसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2017 में। 18-19 के लिए जो राशि है वो क्वेश्चन में दिया गया है आगे, तो 2017 का जो राशि है वो इस प्रकार इसमें अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो चलिए देखते हैं उसको भी क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 2017, 2018 और 2019 में इन 6 क्षेत्रों को आवंटित कुल राशि का अनुपात 4, 5 और 6 में है। 3 वर्षों को मिलाकर किसी भी उल्लेखित क्षेत्र को आवंटित अधिकतम से न्यूनतम राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अधिकतम जो राशि मिला है और किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो न्यूनतम राशि मिला है उसका हमें अनुपात बताना है। साथ ही ये भी बोल दिया गया है कि हर वर्ष जो है जो पैसे का रेशियो है वो 4, 5 और 6 में है। जैसे कि 2017 में 200 करोड़ दिया है तो 4 के रेशियो में है, अब 5 के रेशियो में आ गया तो 200 का 250 करोड़ हो जाएगा
और 6000 के रेशियो में आ गया तो 250 का 300 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख रखे हैं। देख सकते हैं आप, 2017 में 200 करोड़, 2018 में 250 करोड़ और 2019 में 300 करोड़। अब देखते हैं हम अलग अलग क्षेत्र में निकाल के कि कितना कितना राशि आवंटित हुआ है। रक्षा, सेवा, उद्योग, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्र। प्रतिशत आपको वहां पर दिया गया है क्वेश्चन पे, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 23%, 14%, 12%, 14%, 16%, 21%। तो हम सबसे पहले बात करें रक्षा की, तो 12% है, इसमें 10% है और इसमें 9% है। तो उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो 24 आ जाएगा, 12% 200 का, 250 का यहाँ पर 10% जो है 25 आ जाएगा और 300 का 9% जो है 27 आ जाएगा। तो टोटल 76 करोड़ यहाँ पर होता है तीनों वर्षों को मिलाकर। सेम इसी प्रकार सभी का निकालना है और यहाँ पर सभी के निकालने के बाद अधिकतम देखना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम आया है 193.5 करोड़ और सबसे न्यूनतम कहाँ पे आया है तो 76 करोड़ रक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा का भी एक बार देख लेते हम लोग। शिक्षा में देखिए यहाँ पर प्लस का साइन जो है शिक्षा का है, तो 21%, 27% और 28%। देखते हैं यहाँ पर 21, 27 और 28% में कितना आता है। तो जब हम 200 का 21% निकालते हैं तो 42 आएगा। 27% की बात करें तो 250 का यहाँ पर 67.5 आता है और 28% की बात करें 300 का तो यहाँ पर 84 आता है। तो यहाँ पर जो शिक्षा का है 193.5 करोड़ है कुल राशि तीन वर्षों में। तो इसका रेशियो बताना हमें, तो 193.5 बटे 76, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम बोला था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रेशियो तो निकाल रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पे दिख नहीं रहा। तो इसका ऑप्शन पे कैसे दिखेगा, जब इसको हम डबल करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 387 आ जाएगा और 76 का दुगुना 152 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया तो आप आंसर को नहीं पाएंगे। बहुत ही यहाँ पर दिमाग लगा के क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। यदि 2019 में 6 अलग अलग क्षेत्रों को आवंटित कुल राशि 400 करोड़ रुपए है तो 2019 में रक्षा क्षेत्र में आवंटित राशि उसी क्षेत्र में 2017 की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन देखिए, अभी हमने जो देखा उसमें पहले में 200 करोड़ है 2017 में, अब इसने 400 करोड़ बता दिया है 2019 में, ठीक है। रक्षा क्षेत्र का पता ही है आपको, फिर से एक बार देख लेते हैं रक्षा क्षेत्र में 2019 और 17 में क्या स्थिति है। 12% है 2017 में और 2019 की बात करें तो 9%। चलिए देखते हैं, तो 12% 200 का 24 करोड़ हो जाएगा और 400 करोड़ का जो 9% है वो 36 करोड़ हो जाएगा। बोला क्या है, 2019 और 17 में जो रक्षा मंडित राशि है उस क्षेत्र में कितना अधिक है 2019 का बोल रहा है। तो 24 करोड़ यहाँ पर है और 36 करोड़ यहाँ पर है, तो दिख ही रहा है कि 12 करोड़ अधिक है यहाँ पर 2019 में। तो 12 करोड़ जो है वो जस्ट आधा है उसका 24 करोड़ का। तो 12 अपॉन 24 गुणा 100 करेंगे तो 50% आ जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 50% अधिक है 2017 के राशि से। देखिए और भी क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हालांकि आप मैथ्स की तैयारी करें या ना करें लेकिन आपको इन क्वेश्चन को बनाना आना जरूर चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी या छत्तीसगढ़ी नहीं बन पाए कुछ क्वेश्चन, तो आपको मैथ्स के सहारे से ही क्वालिफाई करना होगा। तो ध्यान रखिए इन सभी क्वेश्चन को, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करके वीडियो अपलोड करें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।